गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष शर्मा मेकओवर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्राई स्किन के बारे में। सो ड्राई स्किन से रिलेटेड मैं आपको तीन चीजें बताने वाला हूँ। पहला कि ड्राई स्किन होती क्यों है, उसका रीजंस क्या क्या होते हैं ड्राई स्किन होने के। साथ में मैं आपको तीन होम रेमेडी बताने वाला हूँ, साथ में तीन मैं आपको केमिकल ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ जिससे कि जो ड्राई स्किन है वो आपकी ठीक हो सके। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं हमारी ड्राई स्किन होती क्यों है, साथ में होम रेमेडी जो और साथ में केमिकल ट्रीटमेंट्स। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होती क्यों है। सो उसका जो पहला रीजन है वो है लेस वाटर इनटेक। सो अगर आप कंपेयर करो, समर्स में हम ज्यादा पानी पीते हैं, अगर आप कंपेयर करते हो विंटर्स से, अगर हम समर्स में 10 से 12 ग्लास पानी पीते हैं तो विंटर्स में हमारा वो 5 से 6 हो जाता है। सो एक रीजन ये भी होता है कि हमारी जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है। दूसरा जो रीजन है वो है हमारा जो एयर क्वालिटी होती है, यानी कि जो एयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है, जिससे कि जो हमारे स्किन के ऊपर हिट करती है एयर तो उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो उसको निकाल देती है। दूसरा रीज़न हमारा ये होता है। तीसरा रीज़न जो होता है वो हमारा होता है जब हम गर्म पानी से शावर लेते हैं, गर्म पानी से जब हम शावर लेते हैं तो वो भी हमारे स्किन के अंदर से मॉइस्चर को निकालता है। तो ये हमारा तीसरा रीज़न था। चौथा और लास्ट रीज़न है वो है हमारा स्वेटिंग का। गर्मियों में हमें सबसे ज़्यादा स्वेटिंग होता है, जब स्किन के ऊपर स्वेटिंग होता है तो मॉइस्चर हमारे हेयर में ऐड होता रहता है, लेकिन विंटर्स में हमारी स्किन के ऊपर जरा सा भी स्वेटिंग नहीं होता, अगर होता भी हो तो बहुत ही कम होता है। तो ये चार मेजर रीजंस थे अकॉर्डिंग टू मी जिससे कि हमारी जो स्किन होती है वो ड्राई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है विंटर्स में। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स थी। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन में आपको दो तरीके से देने वाला हूँ, होम रेमेडीज एंड केमिकल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं होम रेमेडीज। तो ड्राई स्किन के लिए जो सबसे पहली होम रेमेडी है वो है हमारा एलोवेरा जेल। सो कोशिश करें एलोवेरा जेल जो है उसको घर पे जो आपका एलोवेरा का प्लांट है उसी से लें और उसको अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करें, वो ही यूज करें अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो आपकी ड्राई स्किन के लिए। दूसरा जो है वो है हमारा कोकोनट ऑयल। सो कोकोनट ऑयल को आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, आपने काफ़ी सारी क्रीम्स में देखा होगा कि कोकोनट ऑयल उसके अंदर होता है। सो दूसरा जो हमारा ट्रीटमेंट है वो है हमारा कोकोनट ऑयल का होम रेमेडी है। तीसरा जो है वो है हमारा गुलाब जल के साथ में हमारा ग्लिसरीन। सो ग्लिसरीन के अंदर आपको थोड़ा सा गुलाब जल मिला के स्किन के ऊपर अप्लाई करना है, आप उसको वॉश भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो, तो उसको आप लिव इन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सो ये तीन बेस्ट रेमेडीज होती हैं आपकी ड्राई स्किन के लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हो, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी मेरी तीन होम रेमेडीज। अब हम बात करेंगे केमिकल ट्रीटमेंट के बारे में। तो लास्ट हमारा आता है केमिकल ट्रीटमेंट। सो केमिकल ट्रीटमेंट में जो सबसे पहला ट्रीटमेंट है वो है हमारे फेशियल्स। सो हर एक ब्रांड में आपको ड्राई स्किन का फेशियल मिल जाएगा, आप फेशियल करा सकते हो ड्राई स्किन के लिए। दूसरा हमारा होगा फेस वॉश। ड्राई स्किन के लिए काफी सारे फेस वॉश आते हैं, हर एक ब्रांड में हर एक तरीके के फेस वॉश आते हैं, आपको वो मिल जाएंगे, आप इजीली उन्हें यूज कर सकते हो। तीसरे नंबर पे और लास्ट है हमारा मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स। तो आपने काफ़ी सारी क्रीम्स देखी होंगी जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और होम रेमेडीज वाली चीज़ें भी होती हैं जिससे वो क्रीम बनती है, सो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो आपके ड्राई स्किन के लिए। सो ये मेरा ड्राई स्किन का वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको तीन चीज़ें बताई, ड्राई स्किन होती क्यों है, होम रेमेडीज एंड केमिकल ट्रीटमेंट। सो ये आप यूज़ करके आपकी जो ड्राई स्किन है उसको ठीक आप कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो में पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।